Тогда типа цена посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один. सो हेलो एवरीवन, और आगे हम और एक वीडियो पे, तो इस वीडियो पे मैं इसको एडिट करके दिखाऊंगा। तो ऑलरेडी आपने शायद देख लिया है वो ट्रांजिशन, ये ऐसा था और अब मैं इसको एडिट करके कैसे बनाऊंगा। तो जो दोस्तों नए और ये वीडियो को नया देख रहे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं यूट्यूब में बहुत न्यू हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग की सपोर्ट की कभी ज़रूरत है। तो लेट्स जंप इन टू द वीडियो। तो पहले हम जाएंगे हमारे लाइट टूल पे, तो और हम इसको थोड़ा ठीक से प्लेस कर लेते हैं ताकि इसका अच्छा व्यू है, और करेंगे एक्सपोजर को थोड़ा कम एज ऑलवेज। इसमें थोड़ा ज़्यादा कम करना होगा, 75 विल बी फाइन। और कंट्रास्ट थोड़ा हाई कर देता था ताकि कलर थोड़ा आए ज़्यादा, क्योंकि हमें ना ये देखो, तुम अगर देखोगे इस टाइगर को तो देखो इसको थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है ना, तो हमें इसको थोड़ा टोन करना होगा, इसका कलर थोड़ा एक्सपोज करना होगा तभी ठीक है। तो कंट्रास्ट विल बी 35 विल बी फाइन। हाईलाइट्स थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन हाईलाइट्स इंक्रीज़ किया इसलिए जो वाइट टोन है ना वो इंक्रीज़ करके, तो इसलिए वाइट इस जो टोन इंक्रीज़ हो उसको हम कम कर देंगे, वाइट को कम करके माइनस 25, ठीक है। चलो शेडोज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं, तो थोड़ा काला काला फील आएगा। डार्क ब्लैक्स भी थोड़ा कम कर लेते हैं एकदम, 35, ठीक है। चलो अब भैया लाइट का काम कंप्लीट हो गया, अब हम लोग कर्व पे आएंगे। कर्व पे पहले हम लोग जैसे जो रूल हमेशा फॉलो करते हुए हैं, पहले कोई भी कर्व ना उसको तीन हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देना, 1, 2, 3, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा एस रूल फॉलो करना, इससे ज़्यादा कूल लगेगा। ये देखो मैं शेडोज़ को और जो डार्कर पोर्शन ऑफ द इमेज है उसमें थोड़ा ब्लैक टोन ला रहा हूँ। देखो तुम जो भी कर्व कर रहे हो ना, तुम उसके नीचे जाओगे, जैसे कि ये सफ़ेद का कर्व है, वाइट का कर्व है, तो अगर मैं नीचे जाऊँगा तो काला आ जाएगा, मतलब वाइट कलर चला जाएगा, अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो वाइट कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको ये करते हैं, तो जो डार्क पोर्शन ऑफ द इमेज होता है उसको ये नीचे वाला पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ डार्क है वो और भी हो जाएंगे डार्क, तुम उसको नीचे कर दोगे। थोड़ा हमको डार्क चाहिए इसलिए ये ठीक है, और ये ठीक है सफ़ेद वाइट का, तो वाइट का कर्व हो गया। अब हम लोग रेड पे आ जाएंगे, रेड पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा रेड स्टोन चाहता हूँ, बाकी मैं मिड टोन्स को टच नहीं करना चाहता। और हाईलाइट्स को थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ग्रीन में थोड़ा कम कर रहा हूँ, देखो इससे अच्छा लुक आ रहा है, थोड़ा कूल लुक आ रहा है ब्लूइश का, ठीक है ना। तो ये ठीक है, और चलते हैं ब्लू पे। अब ब्लू पे ऐसे एडिट करना है, ठीक है, को थोड़ा ऐसा करेंगे तो ठीक है। चलो अब ठीक रहा, तो कर्व हो गया हमारा, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, वाइट भी हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग डन पे क्लिक कर देते हैं, लाइट और कर्व कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कलर्स पे आते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे भी पहले वीडियो में कह चुका हूँ, इन सब चीज़ों का भी टच करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसको थोड़ा भी इधर उधर घुमाओगे ना तो एकदम फोटो चेंज कर जाएगा, ठीक है ना, एकदम मतलब अब इसको थोड़ा अगर इधर उधर करोगे ना तो एकदम फोटो चेंज हो जाए। तो इसको हम लोग कलर ग्रेडिंग करने के बाद ही करेंगे, वैसे ये भी कलर ग्रेडिंग है, लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ करना चाहिए। जो ये रिंग देख रहे हो ऊपर, इधर आपको आ जाना है, और इधर हर कलर को आप ग्रेड कर सकते हो, जैसे कि इधर रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, फ्लू सब है इधर। तो हम लोग थोड़ा इसको रेडिश टोन लाना चाहते हैं, तो हम लोग थोड़ा रेड कलर एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे इधर, ठीक है। तो हमारा हो गया रेड का, तो हो गया। अब ऑरेंज की बारी है, ऑरेंज कलर भी थोड़ा हमको लाना होगा, तो थोड़ा पीछे की ओर जाना, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं ऊपर जाऊँ तो पीला टोन आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा रेडिश और ऑरेंज टाइप, मतलब और ऑरेंज टाइप का टोन चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा पीछे आएंगे ताकि ऑरेंज टोन एक्सपोज हो। सैचुरेशन को कर देंगे थोड़ा हाई, ताकि जो इमेज आ रहा है, मतलब जो ऑरेंज ही वो हमने चूज़ किया वो फुल्ली आ जाए एकदम अपने फुल सैचुरेशन पर। लुमिनेंस को थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा ब्राइट करेंगे तो ओवर एक्सपोज लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा कम करना है। चलो अब ठीक रहा, तो यहाँ तक हम देखते हैं हमारा फोटो, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। चलो अब इसको और भी अच्छा बनाना, अब येलो करना है, ठीक है ना। तो अब येलो कलर वैसे मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं थोड़ा कम कर दूंगा येलो, सैचुरेशन थोड़ा हाई, लुमिनेंस में एकदम कम करना चाहता हूँ, ठीक है, इससे अच्छी वाली लुक आएगी। 35 कर देते हैं, ठीक ठाक है, 35, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सब कलर के लिए आपको करना होगा। देखो मैं ग्रीन जो है ना, इस ग्रीन को मैं क्या करता हूँ, मेरे को जो बैकग्राउंड है, जो मेरा मेन फोकस है वो मेरा ये टाइगर है, ठीक है ना। तो मैं उसके पीछे का बैकग्राउंड को और ब्लैक कर दूंगा, तो अगर मैं इसको डार्क कर दूंगा तो वो अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो मैं सैचुरेशन लुमिनेंस एकदम कम कर दूंगा, ठीक है, एकदम डार्क फील आएगा। देखो ग्रीन एकदम ये हो गया, ठीक है। इसको ऐसा करता तो थोड़ा ये टाइप का आता है, इसको क्या बोलता है, अगर मैं इसको यू को नीचे ऐसे कम करता, अगर मैं यू को ऐसे कम करता तो थोड़ा चलो इस पीला टोन आता, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को डार्क चाहिए, इसलिए मैं डार्क ग्रीन की ओर ले जा रहा हूँ, यू ठीक है। तो लुमिनेंस एकदम सब 100 के आसपास करता, ठीक है। शाइन टोन पे चलते हैं, तो इस पे भी ब्लू कलर तो वैसे ज़्यादा इधर है नहीं, बस ये वाला जो एरिया है पीछे थोड़ा सा बैरिकेड जैसा है, बस उसी के कलर है शाइन, उसको थोड़ा ये कर देते हैं हम लोग, सैचुरेशन कम कर देते हैं, तो ज़्यादा फोकस सब्जेक्ट पे होगा ना, और ज़्यादा फोकस सब्जेक्ट पे होगा तो उसका मतलब एकदम अच्छा लगेगा। मैं आपको एट द एंड दिखाऊंगा क्या लगेगा, बस अब देखते रहो।
और इसको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं हम इसको इधर उधर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बैकग्राउंड को बहुत इफेक्ट कर रहा है, तो इसको टच ना करना ही अच्छा है, ठीक है। इसको एकदम टच ना करो, सब जीरो पे रखना, जैसा था वैसा रहने दो, ठीक है। तो हम लोग इसको, अब देखो ये जो पर्पल कलर है, ये कलर एक्चुअली है ही नहीं, ये कलर तो हमारे सब्जेक्ट में वैसे कुछ है ही नहीं, आसपास भी नहीं है, तो इसको अब टच करोगे इधर उधर करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और आप अगर तो बस इसको ऐसे ही रहने दो, और इसके लिए भी सेम है क्योंकि ये कलर है ही नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ट्रेसेस अमाउंट में है शायद, इधर पता नहीं दिख भी नहीं रहा है, ये जो ऊट सबको दिख रहा है ना इधर थोड़े थोड़े बस कलर है, ठीक है। तो इसको उसका सेचुरेशन में कम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं फोकस फुल ऑब्जेक्ट को ऊपर देना चाहता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं जब मैं ये कम घटा रहा हूँ तो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो उसको अफेक्ट कर रहा है, जो मैं नहीं चाहता अफेक्ट करना क्योंकि उससे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलो तो मैं इसको अनटच सब जैसे पहले था वैसे कर देता हूँ, जीरो हो गया, इसको भी जीरो कर देता हूँ, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो हमारा कलर ग्रेडिंग हो गया डन, अब हम इस पे आएंगे, ठीक है। डब्ल्यू बी इधर कस्टम है सॉर्ट है, ठीक है ना। तो अब कस्टम को चूज़ करना, देखो मेरे को थोड़ा जैसे मैंने पहले टाइप की, मेरे को तो रेडी स्टोन चाहिए, तो ना रेडी स्टोन कब होता है, जब आप टेम्परेचर को उसका वर्म था जब इंक्रीज करते हो, जब आप पीछे आओगे तो कूल हो जाएगा, मतलब ब्लू स्टोन आएगा, और जब आप आगे जाओगे तब सब ये सॉरी ये स्टोन आएगा, येलो येलो डर्टी फेलो होता है, वो तो पता है। तो लेकिन हमको यहाँ थोड़ा येलो चाहिए, हम लोग को थोड़ा इधर येलो चाहिए, तो 5 विल बी फाइन, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि ये अब पूरा चेंज करते तो बहुत इफेक्ट होता है इमेज पर। और टिंट को हम लोग कर देते हैं, बाप रे देखो कितना खतरनाक है ये टिंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए, मैं इसको थोड़ा पीछे करूँ देख रहा हूँ कैसा फालतू सा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इसको भी 5-4 के आसपास ही रखेंगे। वाइब्रेंस थोड़ा इंक्रीज करेंगे, इससे फोटो का जो एक तो चार्मिंग लुक आएगा, ठीक है ना। तो 45 विल बी फाइन, एंड सैचुरेशन को कम करेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, ज़्यादा करेंगे तो भी अच्छा नहीं लग रहा, तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, 4 करते हैं, ठीक है ना। देखो तो देखो मैंने बस दो टूल अब तक यूज़ किया है, एक मैंने लाइट टूल यूज़ किया और एक कलर टूल मैंने यूज़ किया, ठीक है ना। तो इससे देखो आधा एडिटिंग आधा के ऊपर 80% तो हो चुका है, ऐसा था ऐसा हो गया। अब देखो मैं इसको असली लुक अप दूंगा, अभी तो सिलेक्टिव एडिटिंग भी है इसमें। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इफेक्ट्स बोलता है, इफेक्ट्स में अपना फोटो का रिजोल्यूशन अब हाई कर सकते हो, ठीक है। इसको इसका थोड़ा टेक्सचर इंक्रीज़ कर दो, 35-50 कर देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा चलेगा 50। देखो एकदम हर डॉट एकदम अच्छे से समझ में आएगा जब आप टेक्सचर हाई करते हो, लेकिन हमको इतना हाई नहीं करना है, अब ज़्यादा हाई करोगे ना तो कार्टून टाइप लगेगा जो अच्छा नहीं होता जनरली। तो हम लोगों ने टेक्सचर ठीक कर लिया, थोड़ा इस इमेज को ठीक जगह बैठा देते हैं, हो गया। क्लैरिटी थोड़ा लाएंगे, क्लैरिटी लाने से थोड़ा HDR इफेक्ट आता है, जो पबजी गेम खेलते हैं उनको पता होगा HDR इफेक्ट, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा वो मतलब क्या बोलते हैं कलर में शेडो फैडो इस टाइप का इफेक्ट आता है जो अच्छा लगता है, लेकिन हर इमेज में अच्छा नहीं लगता। इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 42 ज़्यादा हो जाएगा, 32 हाँ ये ठीक रहेगा। चलो DS थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है, DS थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा, इससे थोड़ा काला इफेक्ट आएगा, ठीक है। देखो अब कितना कूल लग रहा है, देखो पहले ऐसा था, पहले अब देखो ऐसा लग रहा है। अब देखो अभी तो और भी बाकी है, अब ये जो विजनेट है ना इसको आप कम करोगे तो बैकग्राउंड काला हो जाएगा गोल करके, एक तो ये आएगा, तो 40 सही है, ठीक है। और मिड पॉइंट फीदर राउंडनेस हाइलाइट्स इन सबको टच करने की कोई ज़रूरत है नहीं, इनका ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद इफेक्ट्स कंप्लीट हो गया हमारा, तो अब डिटेल्स में आ जाते हैं। ये डिटेल्स डिटेल्स में आके जो पहला काम है सरपेनिंग हाई कर देना, इससे जो अब क्या होता है जब आप सर पेनिंग हाई करते हो ना तब ये होता है कि जो बैकग्राउंड और आपका सब्जेक्ट है ना उसके जो एंड्स हैं उस एंड का शार्पनेस इंक्रीज करता है, ठीक है ना। इसकी वजह से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस इंक्रीज करता है, और डिटेल भी थोड़ा इंक्रीज कर देना क्योंकि मैंने बोला इसको करने से आपका रिजोल्यूशन अच्छा होता है। बाकी ये जब नॉइज़ रिडक्शन, कलर नॉइज रिडक्शन, कंट्रास्ट जो भी, इनको टच नहीं करना, तो डिटेल का काम हो जाएगा। हमारा फोटो 95% एडिट हो चुका है, ठीक है। पहले ऐसा था, अब देखो ऐसा हो गया, एकदम कूल कूल से लग रहा है। देखो आपको जो सिनेमैटिक टोन्स होते हैं ना जो एडिट करते हैं वो इसमें ऐसे ऐसे आते हैं। तो अब ऑलमोस्ट हो चुका है एडिट, और एक लास्ट इफेक्ट डालना बाकी है जो इस इमेज को एकदम कूल लुक देगा, वो है सिलेक्टिव एडिटिंग, ठीक है। तो मैं आ गया हूँ सिलेक्टिव एडिटिंग पर, और मैं इसको यहाँ से इसके आँखों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। पहले मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से मैं आँखों को सिलेक्ट कर पाऊँ, और ये देखो मैं इसके आँखों को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से गोल मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो प्लस है ना ये देखो ये प्लस है, इसमें से मैंने गोल को सिलेक्ट किया ताकि ये आँख को अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है। दोनों आँख के लिए सेम ही करना, मतलब अगर आप दोनों आँख के लिए सेम कलर लेना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें एक्सपोजर हाई फाई कर देना क्योंकि ताकि वो कलर आप और कैची बनाना चाहते हो इसलिए, ठीक है ना। तो हाईलाइट शेडोज आपको कम बना के देखना है, बनाना शायद थोड़ा कम करना चाहिए हाईलाइट कंट्रास्ट, वाइट थोड़ा ज़्यादा करना ठीक नहीं होगा, ठीक है थोड़ा कम कर देते हैं। ब्लैक्स को तो थोड़ा इंक्रीज़ करना, लेकिन आई थोड़ा फेडेड हो रहा है इसलिए 20 कर देते हैं। कलर में यही असली चीज़ है जो आपकी आँखों को कलर देगा, ठीक है ना। अब देखो इसको एकदम जूम करके पास लेना तो आप अच्छे से देख सकते हो कैसे चेंज हो रहा है। इसका ग्रीन टोन करते हैं, क्या बोलते हो आप, कौन सा टोन अच्छा लगेगा, ब्लू टोन अच्छा लगेगा या ग्रीन टोन? ब्लू टोन अच्छा लगेगा शायद ज़्यादा, तो हम लोग ब्लू टोन करते हैं। तो ब्लू टोन शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर ये अच्छा लग रहा है, देखो मैं इसमें कन्फ्यूज़ हूँ, शायद ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा सच में।
अच्छा चलो ब्लू कर देते हैं, ब्लू कूल लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका टिंट मैं थोड़ा हाई करूँ क्योंकि मेरे को ब्लू कलर थोड़ा डार्क चाहिए। ज़्यादा हाई करोगे तो आयरिस है ना तो वो दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, कम करोगे तो भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है तो 45 के आसपास कर देते हैं, 45 ठीक है। सेचुरेशन अब कम करोगे तो ब्लू कलर ही चला जाएगा, तो उसको थोड़ा इंक्रीज़ करना। इसको आपको ऑलमोस्ट 40 सेलेक्ट कर देना और यू को हम इसको खींच के ब्लू की ओर ले जाएंगे ताकि वो ब्लू टोन आए। ये देखो ब्लू टोन आ चुका है, इसको भी और कलर ही चला, इसको भी लेके ब्लू की ओर लेके जाएंगे, आ गए ब्लू की ओर, ठीक है ना। अब असली काम है टेक्सचर इसका हाई कर देना है, क्लैरिटी हाई, डीएज को डीएज भी थोड़ा हाई करना है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, इसको जब मैं जूम आउट करूँगा तब और भी अच्छा लगेगा। शार्पनेस हटा, इंक्रीज़ कर देना, नॉइस कर देना। तो ये देखो मैं दिखाता हूँ एंड लुक कैसा लग रहा है, ये देखो ये तो एक आग का हुआ, ठीक है ना। शायद ग्रीन कलर अच्छा लगता है सारा इस पर, चलो कोई ना, हम लोग और एक बार ये कर लेते हैं सिलेक्टिव एडिट, इस आँख के लिए भी कर लेते हैं। फिर से प्लस पे जाके सर्किल पे दबाना है और इसके आँखों को अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है, आँखों के मेन पोर्शन होते हैं, ठीक है ना। तो हो गया, लाइट पे जाके एक्सपोजर कंट्रास्ट पहले जैसे इंक्रीज कर देना है, हाईलाइट्स भी इंक्रीज कर देना है, वाइट इस टाइम इंक्रीज कर देना है, ब्लैक कम करना है, शेडोज इंक्रीज करना है, कलर पे जाके ये वाला टोन मैं देखना चाहता हूँ कैसा लगता है भाई। ठीक है चलो मैं इस पर ग्रीन लुक दे रहा हूँ, ठीक है। डीएस थोड़ा कम कर दें, कलर अच्छा लगेगा। इसमें भी थोड़ा मैं डीएस कम कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो फिर इस पर आ जाता है और इसको हम शार्पनेस हाई कर देते हैं और हम इसको टिक कर देते हैं, शायद इसको कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो इसको भी ग्रीन कर देते हैं, इसको भी ग्रीन कर देते हैं भाई। सिलेक्टिव एडिट्स यहाँ पर जाते हैं, फिर कलर पर आ जाते हैं, तो इसको भी हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है ना। चलो हो गया काम ऑलमोस्ट, टेक्सचर क्लैरिटी सब हाई कर दें, लाइट शेडोज वाइट फ्लैक तो कम ही करना, चलो हो गया टिक कर देते हैं। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुका है, अब देख सकते हैं इसको, वो वाला मतलब एकदम डेंजरस डेविल विल वाला लुक एकदम डेविल वाला लुक आ रहा है। तो ये हमारा फोटो पहले ऐसा था बिफोर, ठीक है ना। अब देखो ऐसा हो गया, देखो कितना कूल लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैंने अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं अभी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मेरे को हर दिन वीडियो बनाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं फिर भी हर दिन मैं पोस्ट डालने की कोशिश करता हूँ। अभी तो कॉलेज छुट्टी है और हमें दिवाली सब तुम्हारा, तो ये हो चुका रेडी। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, और आप अगर ऐसा एडिट करते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हैं, जो ये ऊपर स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये मेरा यूज़र नेम है, और ऐसे में भी मैंने लिंक इंस्टा का लिंक नीचे दे के रखा है, तो आप चाहे तो वो एडिट करके मेरे को टैग कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको स्टोरी में फीचर करूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।